यस सर. सो आज हमारे बीच कुशल लोढ़ा, ऑल इंडिया रैंक नंबर 5 सीए फाइनल नवंबर 2019. सर आज हम सबके साथ है, हम सबके बीच है, लाइव इंटरेक्ट करेंगे, इनसे भी इनका एक्सपीरियंस लेंगे कि किस तरह से इन्होंने पढ़ाई करी और किस तरह से इन्होंने अचीवमेंट लिया. तो सर कुशल का बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू एंड जबरदस्त. कुशल बहुत बहुत स्वागत आपका, थैंक यू. यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व मोर देन दिस एंड यस लाइफ टाइम आप इस तरह की अचीवमेंट पाए. हमारे बीच में से आदित्य, प्लीज ग्रीट हिम विद अ बुके. माहौल, थैंक यू आदित्य, थैंक यू. कुशल से अब हम बात करते हैं, कुछ इंटरेक्ट करते हैं, समझते कि इसने किस तरह से पढ़ाई करी. ही इज द स्टूडेंट ऑफ न्यू सिलेबस, सीए फाइनल न्यू सिलेबस का स्टूडेंट है ये, और इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया 5th रैंक हासिल करी है. ये वो स्टूडेंट है जो केवल पढ़ाई नहीं करता है, बहुत मस्ती भी करता है. आपको इस पर बता दूं मैं, अभी ICAI का WIRC का मुंबई में जो एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें मोर देन 3000 स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठे हुए थे, उस पूरे इवेंट को इसने होस्ट किया था. He was the main host of that event. Rap song भी गाता है, जबरदस्त वाले ये. अरे माहौल, बहुत क्रिएटिव बच्चा है ये. और मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल पढ़ाई ही लाइफ में सब कुछ नहीं होती है, मतलब केवल बुकिश नॉलेज नहीं है, हर तरह का एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, और आप सबको आपका जो इंटरेस्ट का एरिया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए. हाँ, नो डाउट आपकी प्रायोरिटीज पढ़ाई होनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम आपको आपका माइंड हर तरह से खुला रखना चाहिए. सो मोस्ट वेलकम कुशल, आपसे हम बात करते हैं और सारे स्टूडेंट्स को जो भी उनकी क्वेरीज है आपके थ्रू हैंडल करते हैं. सर ओके, आइए बात करते हैं. यस सर, सो कुशल सबसे पहली बात, बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सो मच सर, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस. सबसे पहले इसके बारे में एक बात और कहूंगा, ही इज द स्टूडेंट हु स्कोर्ड ऑल इंडिया 5th रैंक इन इंटरमीडिएट ऑल्सो. IPCC में भी ऑल इंडिया 5th रैंक था, he continued the same level and CA final ke andar bhi he scored all india 5th rank. sir last time jab ye hamare class mein tha to isne kaha tha, sir jo maine siddhant bhandari ka interview liya tha ki sir agla interview mera hoga aur aaj ye hamare sath hai. so definitely tune jo commitment diya tha, jo aapne mehnat kari hai, aaj wo kaam aayi, success hamare sath hai, success hamesha aapko milegi aur aage bhi milti jayegi. so yes. Lots of congratulations. Thank you so much. पहले, Thank you so normally much, सबसे पूछता हूँ आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी मम्मी का नाम, पापा का नाम. पापा का नाम संतोष लोढ़ा और मम्मी का नाम भारती लोढ़ा. भारती लोढ़ा, आपको बहुत बहुत बधाई. आपको जो ये खुशी बच्चे ने दी है उतनी खुशी हमको भी है, और आपको बहुत बहुत बधाई हम सब की तरफ से. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, चरण स्पर्श. ये बहुत काबिल बेटा है और बहुत अच्छा है, इसको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, हमने क्लासेस में कई बार इंटरेक्ट किया और क्लासेस के बाद भी कई बार इंटरेक्ट किया है. सो रियली ही इज अ वेरी गुड पर्सन. आपके संस्कार जो आपने इनको दिए हैं बहुत लाजवाब है. रियली ही विल ग्रो, बट ही विल नॉट ओनली ग्रो, ही विल बी अ मैन ऑफ वैल्यूज. डेफिनेटली बात है, ये बहुत नाम कमाने वाला है, अच्छा नाम करेगा ये. मेरी और हम सब की शुभकामनाएं इसके साथ है, आपके पूरे परिवार के साथ है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. और इनके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी इनकी फैमिली मेंबर्स के मेंबर्स हैं जिन्होंने इनको लाइफ टाइम सपोर्ट किया, जो सपोर्ट करेंगे, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको. ऑल इंडिया 5th रैंक पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में साहब 5th रैंक, माहौल जबरदस्त. तो कुछ बातें जो हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, किस चक्की का आटा खाते हैं. IPCC इंटरमीडिएट में 5th रैंक, CA फाइनल में 5th रैंक, तुम करते है क्या हो यार? क्या मतलब कुछ कुछ मंत्र वंत्र है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं ऐसा कुछ मंत्र. तो कुछ डेवलप करने की इच्छा है? कुछ डेवलप कर सकते तुमको बताओ यार, हमारे स्टूडेंट्स बहुत इच्छुक है कि वो कुछ मंत्र उनको मिल पाए या आपका एक्सपीरियंस हम उनसे आपसे ले पाए, उनके साथ शेयर कर पाए. तो yes. सबसे पहली बात, जब आपने एग्जाम्स दिए CA फाइनल के, अच्छा इंटरमीडिएट में ही स्कोर्ड ऑल इंडिया 5th रैंक, उससे पहले स्कूल वगैरह में CPT में कई रैंक वगैरह थे आपके? CPT में 6th रैंक था. ओहो माहौल,
सीपीटी में स्कोर ऑल इंडिया सिक्स्थ रैंक, जबरदस्त जबरदस्त माहौल। और स्कूल में? स्कूल में टेंथ में आई वॉज द नेशनल टॉपर इन एडिशनल मैथमेटिक्स एंड इलेवेंथ में आई वॉज द नेशनल टॉपर इन अकाउंटिंग। तो हमारे इसमें टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ तीनों में बोर्ड एग्जाम्स होते थे, तो IGCSE एंड ए लेवल्स करके बोर्ड था हमारा करिकुलम, CIE कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन। तो उसमें टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ तीनों बोर्ड एग्जाम्स होते, तो टेंथ में मैं इंडिया में फर्स्ट था एडिशनल मैथ्स में और इलेवेंथ में अकाउंट्स में फर्स्ट था। माहौल जबरदस्त, अरे माहौल बधाई बहुत बहुत। मतलब ये कभी भी उससे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ अगर आपने देखा हो तो, कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मेहनत करता गया और आज CA फाइनल ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक तक पहुंच गया। मतलब अगर हमको एक बार सक्सेस मिलती है तो वो काफी नहीं है, उसे खुशी मनानी है पर उसे मोटिवेट होके नेक्स्ट सक्सेस तरफ वापस बढ़ना है, जो इसने करके दिखाया है कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट सक्सेस। सचिन तेंदुलकर आज भी नाम है उसका, क्यों? क्योंकि उन्होंने दो तीन मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, हर मैच कॉन्स्टेंट, विराट कोहली कॉन्स्टेंट खेलते ही है, क्लियर? तो सर वही आपको भी करना है, आपकी जो सक्सेस है उससे मोटिवेट होना है। अगर कभी सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए तो उससे भी हमको गलती को निकाल के मोटिवेट होना है और हमको हमारे सक्सेस तरफ बढ़ना है और एक के बाद दूसरा सक्सेस आएगा क्योंकि अपना टाइम भी आएगा। माहौल तो सर सबसे पहले क्या, जब आपने CAFL के रिजल्ट्स या CAFL के एग्जाम्स दिए तो एक जो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जब आपके स्कूल टाइम पे रैंक्स थे, सीपीटी में रैंक था, इंटरमीडिएट में रैंक था, तो जब CAFL की आप पढ़ाई कर रहे थे तो ऑब्वियस ही बात है आपको तो एक्सपेक्टेशन था ही था कि मुझे रैंक लाना है, दुनिया को भी एक्सपेक्टेशन होगी ये तो रैंक लाएगा, पर क्या उसकी वजह से कभी प्रेशर भी आया अपने पर कि यार अभी रैंक नहीं आया तो, या कभी ऐसा कुछ लगा आपको? ये बहुत बहुत सारे जन ये चीज़ें पूछते भी, और बहुत बार ऐसा भी लगता है कि ऑफिसेस में भी या फिर हॉस्टल में भी, मैं मतलब मुंबई का नहीं हूँ तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो आप, मैं नासिक का हूँ, नासिक जबरदस्त, तो हॉस्टल में भी सब बोलते थे कि तेरा तो AIR आएगा, तेरा तो रैंक फिक्स आएगा, ऑफिस में भी सब बोलते थे, फैमिली में भी रिलेटिव्स ऐसे ही पूछते थे कि इसका तो पास का कोई टेंशन नहीं है, रैंक तो फिक्स है। लेकिन वो कभी कभी मतलब दो दो सिचुएशंस ऐसे, एक तो एक वो लोग जो इनको ऐसे टॉर्चर जैसा ले सकते हैं या फिर दूसरे वो लोग जो इसको मोटिवेशन जैसा ले सकते हैं, तो मैं हमेशा इसको मोटिवेशन जैसा लेता था, लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशंस है मेरे से तो मेरा वही सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता था कि मैं पढ़ रहा हूँ तो उनके उनके जो एक्सपेक्टेशंस है मेरे को फुलफिल करने हैं, और उनके एज इन ये वही लोग जो मेरे एकदम करीब है, ऐसा ही नहीं कि रैंडम लोगों के एक्सपेक्टेशंस है, जो भी मेरे क्लोज्ड वंस है उनके मेरे से इतनी उम्मीदें हैं तो उनकी उम्मीदों को मेरे को पूरा फुलफिल करना था, वही मोटिवेशन से मैं पढ़ता था। और इसको कभी ऐसे टॉर्चर जैसा कभी ट्रीट नहीं किया मैंने कि ये प्रेशर बहुत आएगा, अरे अगर रैंक नहीं आए तो क्या होगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं हमेशा मेरा बेस्ट देता गया, बहुत सैक्रिफाइसेस किए लास्ट लीव पीरियड में, 4-5 महीने में बहुत मतलब पूरा मेहनत हार्डवर्क, पूरा 5 महीने जो है ऐसे अंडरग्राउंड हो गया था, एज एन आई वॉज दी ओनली पर्सन एंड बुक्स वर दी ओनली थिंग विच वर एग्जिस्टिंग इन दिस प्लैनेट, ऐसा लग रहा था मेरे को, जबरदस्त। सो दिस विल साउंड नर्डी बट देन दैट वॉज दी ओनली ऑप्शन, तो मेरे को 4 महीने पूरा अंडरग्राउंड हो गया था, ऑफ सोशल मीडिया हो गया था, लेकिन जो सैक्रीफाइसेस तब किए रिजल्ट के दिन ऐसा लगा जो भी किया मैंने वर्थ इट था, मतलब जो खुशी वो दो लेटर्स ऐड होते तुम्हारे नाम के आगे वो जो खुशी आएगी वो ये सब सैक्रीफाइसेस से बहुत ज़्यादा मतलब हाई होगी, और ऐसे वर्थ इट है वो सैक्रीफाइसेस, तो वही मोटिवेशन था मेरा, तो इसको कभी टॉर्चर जैसे नहीं लिया मैंने, मैंने यही सोचा कि इनकी उम्मीदें पूरी करूँगा और इनको खुश करूँगा, वही सपना था। तो आप सबको एक मैसेज है इसके थ्रू कि जितने भी स्टूडेंट्स आप देखिएगा, कई सारे स्टूडेंट्स स्कूल टाइम पे टॉपर्स थे, कई सारे स्टूडेंट्स कॉलेजेस में टॉपर रहे, CPT IPCC में रैंक आया, तो क्या होता है धीरे धीरे वो अपने आप को इस बात को प्रेशर लेने लग जाते हैं जब CAFL में आते हैं। अच्छा CAFL की जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे डेफिनेट बात है बीच में कुछ वक्त ऐसा आया होगा जब आपको डर भी लगा होगा कि यार अपना हो पा रहा है, या ऐसा कुछ लगा आपको कभी? हाँ मतलब बीच में ऐसा एक फेज आया था कि ऐसे लग रहा था कि बहुत वॉल्यूमिनस कोर्स है, मतलब IPCC और CAFL जब कंपेयर करोगे ना तो दे आर लाइक वेरी डिफरेंट थिंग्स। अकॉर्डिंग टू मी CAFL इज लाइक मोर देन 5 to 6 times ऑफ योर इंटरमीडिएट पोर्शन। इसमें मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूमिनस जो वास्टनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है CAFL में। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि मतलब कभी ऐसे थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, या फिर कभी ऐसे लगेगा कि ये टॉपिक तो नहीं हो पाएगा अभी मेरे से, ये पूरा नहीं हो पाएगा।
तो ऐसे टाइम्स तो आए मेरे पास, मेरे साथ भी, कि अभी थक गया हूँ मैं, आज नहीं पढ़ाई करनी है। लेकिन वही टाइम पे ऐसा ही सोचता था मैं कि ये जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो है इसको मैं कभी भूला नहीं। मतलब एक और सोर्स ऑफ मोटिवेशन ऐसा था मेरे लिए कि मेरे पापा जो है वो भी सीए कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट क्लियर इज सीए एग्जामिनेशन। तो इट वॉज हिज ड्रीम दैट आई शुड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये ड्रीम के साथ मैं हमेशा आगे बना कि मैं जब एक सीए बनूंगा तब पापा को जो खुशी मिलेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी। जबरदस्त माहौल। तो वो मोटिवेशन सबसे ज्यादा था मेरे लिए। तो कोई भी ऐसा ये फेज आता था, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी अगर मेरे साथ आता था तो वो अवॉइड हो जाता था मेरे साइड से, क्योंकि यही एक मोटिवेशन रहता था कि आगे जाके जब रिजल्ट आएगा मेरा तब मेरे पापा जो है उनको खुशी देनी है, मम्मी को खुशी देनी है। वो खुशी जो है वो मतलब इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, एक्चुअली इट कैन ओनली बी फेल्ट, टू बी वेरी फ्रैंक। 100% डेफिनेटली। और बहुत बहुत बधाई उनको। और जो मोटिवेशन आपने उनसे लिया पॉजिटिव डायरेक्शन में, आज आपने प्रूव करके दिखाया, बहुत बहुत बधाई। ध्यान रखना ये केवल उसका लक नहीं था जो रैंक 5 आया है, ये उसकी मेहनत थी, दिन रात एक किया होगा। मैं आपसे बात कर रहा था कि देखो बच्चों, कई सारे स्टूडेंट्स जिनके सीपीटी आईपीसी स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे रैंक्स आते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशन हो जाती है बहुत सारे लोगों की कि अब तो इसका रैंक आएगा ही आएगा। हर कोई मिलता है बोलता है अरे तेरा तो रैंक फिक्स है, तो क्या होता है वो कई बार एक प्रेशर भी डाल लेता हम पर। तो कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे, कई सारे फ्रेंड्स मैंने देखे जो उसको एक प्रेशर की तरह ले लेते हैं। और फिर जब इस तरह का मोमेंट आता है कि जब आपको लगता है कि यार बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए, वो सबके साथ आता है, सीए फाइनल के अंदर सबके साथ आता है वो। जब आपको लगता है कि बहुत टफ हो रहा है आपके लिए, अब आपको सैचुरेशन पॉइंट टाइप आ रहा है, उस टाइम पे वो प्रेशर, अगर आपने उसको प्रेशर की तरह लिया था, वो इतना आपको डेप्थ में ले जाता है कि आप उस टाइम सोचते हो आप मेरे से हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जिनकी भी ओल्ड रैंक्स आए हुए हैं पहले, डोंट टेक दैट प्रेशर ऑन यू। आप जस्ट उसको एक, जैसा इन्होंने बोला कि मैंने मोटिवेशन की तरह लिया उनसे, क्योंकि उन्होंने मेरे से एक्सपेक्ट किया, मतलब वो मेरे अपने थे इसलिए एक्सपेक्ट किया। इसलिए ऑलवेज गेट मोटिवेटेड, उसको आप नेगेटिव सेंस में मत लो। और हाँ, जब भी आपके टाइम पे आपके साथ इस तरह का वक्त आता है जब आपको लगता है कि नहीं यार अब बहुत टफ हो रहा है, अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आपको वो बातें याद रखनी है कि नहीं, मेरे को उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मेरे से एक्सपेक्ट किया है उनके लिए वापस बूम करके बाहर आना है और वापस से ओल्ड रैंक लेके आना है या सीए बन के आना है। तो सर आपको हमेशा जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उनको हमेशा पॉजिटिव लेके और उसको ही मोटिवेशन लेके, पापा के एग्जांपल लिए उन्होंने, उनको मोटिवेशन लेके हमेशा अपने आप को चार्ज रखना है। ग्रेट, जबरदस्त कुशल। तो सबसे पहले जो अगली बात इससे पूछने वाला हूं, उससे पहले इसका जो रिजल्ट था, उसके जो मार्क्स थे, वो मैं बोलने वाला हूं। सीए फाइनल नवंबर 19, कुशल लोढ़ा एफआर 76 मार्क्स, SFM 88 मार्क्स। माहौल सर, बहुत सारे लोग तो 44 भी नहीं आते यार। 88 जबरदस्त, 59 लो, 55 टोटल, 278 ग्रुप वन। ग्रुप टू के लिए कॉस्टिंग 64। इन्होंने न्यू सिलेबस का स्टूडेंट ही है, इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट ऑप्ट किया जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका, उसमें से 73 मार्क्स। डायरेक्ट टैक्स 65 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स 86 मार्क्स। माहौल जबरदस्त। टोटल ग्रुप टू का 288 मार्क्स, 278 फर्स्ट ग्रुप, 288 सेकंड ग्रुप, टोटल 566 बॉस, रिमार्केबल अचीवमेंट सर। ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक, सो जबरदस्त बधाई। आपने देखा हो तो लगभग सारी सब्जेक्ट में इसने 4 डाला है, क्लियर। तो सर उस लेवल का पढ़ाई हमको करना है, आज हमको आपसे वो मोटिवेशन चाहिए, वो डायरेक्शन चाहिए, वो गाइडेंस चाहिए कि किस तरह से पढ़ाई करें। जो वक्त हमारे पास है, जो वक्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका मई 2020 में फर्स्ट एग्जाम होगा या नवंबर 2020 में पहली बार वो सीए में अपेयर कर रहे होंगे, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो रिपीट दे रहे होंगे एग्जाम्स। तो किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग बात करेंगे हम, कि सबसे पहले जब आपने पढ़ाई करना शुरू किया, सबसे पहली बात तो आपकी आर्टिकलशिप कहां से, मुंबई से थी या किसी और सिटी से थी? मुंबई से थी। आर्टिकलशिप से आपको कितने टाइम का लीव मिला, कितना छुट्टी मिला आपको? लीव मेरे को 4.5 मंथ्स का मिला था 15th of June से, लेकिन मेरे रियल सिस्टर की शादी थी 7th of July को, तो आइडियली देखा जाए तो 7 जुलाई से ही मैंने पढ़ाई चालू की थी, क्योंकि वो 15 दिन जो है वो दीदी के शादी में भी थोड़ा, मतलब रियल सिस्टर है तो उसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ रहा था, तो आइडियली 7 जुलाई से मैंने पढ़ाई चालू की, 3 months 23 days। मतलब नवंबर 2019 एग्जाम्स,
फोर एंड हाफ मंथ का ही छुट्टी मिला भाई, उसमें भी घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन और उसके बाद भी ही मैनेज टू स्कोर ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक. मतलब कई बार हम क्या सोचते हैं, बस एक बार आर्टिकल से पूरी हो जाए फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, एक बार बस ये क्लास खत्म हो जाए फिर पढ़ाई शुरू करेंगे. तो सर आर्टिकलशिप है अगर आपकी, उस दौरान भी आपने पढ़ाई करी होगी, डेफिनेट सी बात है. आप ये बताइए, जब आपके ऑफिस थे, आप जब आर्टिकल्स के लिए जाते थे ऑफिस, तो हाउ यू यूज टू मैनेज, वो जो आपने 3 साल का आर्टिकल्स किया होगा इंटर करने के बाद, इंटरमीडिएट करने के बाद, तो वो पीरियड को आपने कैसे मैनेज किया सीए फाइनल आने तक? तो ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप मैंने मतलब क्लासेस ज्वाइन तो नहीं किए थे, तभी सिर्फ काम का जितना भी सीखते आए प्रैक्टिकल वर्क जो है वो पूरा सीख लिया था ऑफिस में. फिर बाद में धीरे धीरे क्लासेस ज्वाइन किए मैंने, मतलब सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप और थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप वो पूरा सुबह क्लासेस में ही जाते थे. सुबह 7 to 10 क्लास होता था, फिर क्लास से तुरंत ऑफिस, और ऑफिस के आने के बाद टाइम मिलता था मतलब तो कभी रिविजन जो क्लास में सुबह सिखाया था वो रिवाइज कर लेते थे. तो मेरा ऐसा ही रहा है कि जो आर्टिकलशिप का टेन्योर है मतलब 3 साल का, उसमें ये तो मैनेज करना ही है तुमको. ये सीए ऐसा प्रोफेशन है वेर इन यूल गेट टू बैलेंस योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ. तो यहाँ पे तुम लोग ऑफिस के साथ साथ तुम लोग इतना बड़ा डिग्री ले रहे हो, मतलब इतना बड़ा कोर्स साथ में पढ़ रहे हो, तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो आर्ट है वो भी तुमको सिखाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लासेस और ऑफिस दोनों मैनेज करना सुबह उठ के. मतलब यही वापस मोटिवेशन तो वही रहता था कि अभी आईपीसीसी में जो रिजल्ट लाया है वो रिटेन करना है सीए फाइनल में, तो थोड़ा जल्दी से ही पढ़ाई शुरू कर लेते हैं. मतलब लोग अभी यूजुअली बहुत एंजॉय करते, तो मैंने भी एंजॉय किया है नो डाउट फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में, लेकिन बाद में जब प्रायोरिटीज़ जो आई सेट करनी रहती है तभी फिर आई सेट माई प्रायोरिटीज़ कि अभी पढ़ाई का टाइम आया तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है. लाइक मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा टाइम प्रायोरिटाइजेशन दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. लाइक अल्टीमेटली वंस यू लर्न टू प्रायोरिटाइज योर टाइम यू विल बी एबल टू ग्रैब द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट. तुमको सेट करनी तुम्हारी प्रायोरिटीज़ कौन से टाइम पे क्या होनी चाहिए. तो जैसे फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में तुम लोग करो पार्टीज करो बाहर जाओ घूमो नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन जब सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जैसे एग्जाम के करीब आओगे तब तुमको ये सब अवॉइड करना पड़ेगा. तो एक बार तुमने प्रायोरिटी सेट कर दी कि तुमको अभी पढ़ाई की प्रायोरिटी है, अभी बाहर घूमना ये प्रायोरिटी है, अभी रिजल्ट लाना है अच्छा वो प्रायोरिटी है, तो एक बार तुम लोगों ने ये सेट कर दी ना तो तुमको कोई भी डिस्ट्रैक्शन आएगी ना तुम लोग वो इजीली अवॉइड कर पाओगे. तो वंस यू लर्न टू प्रायोरिटाइज योर टाइम यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम इजीली. सुपर सुपर जबरदस्त. तो आपने अगर देखा हो तो आपकी क्लासेस कब होती थी मॉर्निंग में? 7 to 10. 7 to 10 फिर? फिर ऑफिस 10:30 to 7:30. 10:30 to 7:30 मिनिमम. हाँ 7:38 तक वगैरह. 7:38 तक ठीक है. उसके बाद जो इन्होंने पढ़ाई करी है क्लासेस में उसका रिवीजन या अदर जो काम होते थे वो सारे ठीक है. एवरेज रात को कब सोते थे आप नॉर्मली? रात को 10-11 बजे. मैं एक्चुअली नींद बहुत ज़्यादा है मेरी, मैं 8-9 घंटे सोता हूँ मैं, मतलब मेरी नींद बहुत ज़्यादा है. तो मैं सोचता हूँ आप मॉर्निंग 7 o'clock से रात को लगभग 11 बजे तक, सर केवल कुछ महीने नहीं लगभग लगभग मोर देन 1.5 ईयर इसने मेहनत करी है. क्लियर? तो वो सब मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट हो गई. तो हम सबको दिन रात एक करना ही पड़ेगा. तो सर जो सबसे बड़ी बात इसने कही है, हमको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही करना है, टाइम का प्रायोरिटाइजेशन भी करना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमको अभी क्या करना है, पहले क्या करना है. ओके देन जब आपका आर्टिकलशिप ड्यूरेशन सेकेंड ईयर खत्म हुआ तब तो आपने कुछ क्लासेस कर ली होगी. देन आपका आर्टिकलशिप से आपको जब छुट्टी मिली फोर एंड हाफ मंथ की, तब तक आपकी लगभग सारी क्लासेस हो गई थी जो भी आपको? हाँ हाँ सर, इनफैक्ट लीव के 2 महीने पहले मेरी सारी क्लासेस हो गई थी. लीव से पहले इन्होंने लगभग सारी क्लासेस पूरी कर ली थी 2 महीने पहले. मतलब केवल वो आर्टिकलशिप के बाद ही पढ़ाई नहीं करनी होती है, आर्टिकलशिप भी करनी होती है और साथ में पढ़ाई भी करनी होती है. क्लियर? तो ऐसा नहीं केवल आर्टिकलशिप किया, आर्टिकलशिप बहुत एसेंशियल है पर साथ में आपको टाइम मैनेज करके टाइम की प्रायोरिटाइजेशन करके आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी साथ साथ. जबरदस्त. अब जब आपके एग्जाम लीव्स हुए आपको लगभग इसने एग्जैक्टली बता दिया 3 months 23 days, तो कैलकुलेशन देखो सर. तो कैसे आपने उस टाइम को मैनेज किया? तो यही पहले तो यही मैनेज किया मैंने कि जो इनिशियल रहेगा ग्रुप 1 खत्म करना है. तो यूजुअली अभी जैसे 5 months की आइडियली सबको लीव मिलती, जितने भी फ्रेंड्स थे उन सबको 5 months की लीव थी, तो मैंने भी उनको यही रेकमेंड किया था कि पहले 2 महीने जो रहेगा पूरा ग्रुप 1 कर देना, नेक्स्ट 2 months रहेगा पूरा ग्रुप 2 कर देना, लास्ट मंथ में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कर देना. तो जो फर्स्ट रीडिंग रहेगी ना तुम्हारी, मेरी फर्स्ट रीडिंग 30th of September तक खत्म हुई थी. तो फर्स्ट रीडिंग लेकिन ऐसी थी वो फर्स्ट रीडिंग कि जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सब कॉन्सेप्ट जितने भी है वो सब क्लैरिफाई कर दिए थे.
मतलब सेकेंड रीडिंग के टाइम मेरे को डाउट आना ही नहीं चाहिए, इतने कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई कर दिए थे फर्स्ट रीडिंग के टाइम ही। तो मैं मानता हूँ कि फर्स्ट रीडिंग लेट हुई थी मेरी 30 सितंबर तक, लेकिन वो फर्स्ट रीडिंग वॉज इक्विवेलेंट टू 2 या 3 रीडिंग्स अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं क्लास के नोट्स भी पढ़ता था और उसके बाद मॉड्यूल भी पढ़ता था। तो हर एक सब्जेक्ट का मैंने पहले क्लासेस के नोट्स पढ़े फिर मॉड्यूल्स पढ़े, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 रीडिंग्स। लेकिन ये 30 सितंबर तक हो गई मेरी, और उसके बाद अक्टूबर में मैं 4 to 5 डेज पर सब्जेक्ट पढ़ता था, और आटो सब्जेक्ट फिर 4 to 5 डेज करके 8 into 4 = 32, तो वैसे 30 डेज अक्टूबर के वैसे मैनेज किए थे। तो जो फर्स्ट 4 मंथ्स है उसमें मैं डेली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ता था, एक थियरी सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल, जैसे FR और ऑडिट साथ में शुरू किया था मैंने, और लॉ और SFM। तो ऐसे एक थियरी सुबह पढ़ता था और शाम फिर सेकेंड हाफ में प्रैक्टिकल पढ़ता था, और लास्ट का जो मंथ रहेगा लास्ट का एक मंथ उसमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है तुमको 4 दिन के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता था मैं, तो मैं दिन में 12 आवर्स हमेशा पढ़ता था। मैं एक्चुअली स्टॉपवॉच लगा के पढ़ता था कि 12 आवर्स के ऊपर मैं नहीं पढ़ता था, मतलब जैसे ही वो मेरा स्टॉपवॉच 12 पे चला जाता था आई यूज टू स्टॉप स्टडिंग। मेरा मतलब एक फिक्स था कि मैं 12 घंटे ही पढ़ूंगा, उससे ऊपर नहीं पढ़ूंगा, उससे नीचे नहीं पढ़ूंगा, वो मेरा कंसिस्टेंट था। तो वो मैनेज हो भी जाता था, और उसके बाद जो लास्ट मंथ है उसमें थोड़ा मैंने बढ़ा लिया था। एक्चुअली ये CA फाइनल थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस कोर्स है, तो इसमें बाद में नींद भी सैक्रिफाइस करनी पड़ी मेरे को। मतलब आई वॉज दैट टाइप ऑफ गाय कि मैं IPCC में भी एग्जाम्स के टाइम भी 8-8 घंटे सोता था, लेकिन CA फाइनल में आने के बाद पता चला कि नींद जो है कुछ है ही नहीं। मतलब लिटरली IDT के पेपर के पहले और DT के पेपर के पहले 4 घंटे ही सोया हूँ मैं, और ऑडिट और लॉ ये 4 पेपर्स ऐसे कि जिसके पहले 4 घंटे ही सोया हूँ, लेकिन पेपर्स के आने के बाद बहुत ज़्यादा सो लिया था। तो मतलब नींद जो है वो सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी तुमको CA फाइनल में आने के बाद, एक ऐसा पॉइंट आ ही जाएगा। मतलब आपने अगर नोट किया हो, देखो कई सारे स्टूडेंट्स ये बोलते होंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम सिद्धांत का इंटरव्यू लिया था, उसने बोला था कि मैंने एग्जाम से पहले 3-4 बार रिविजन कर लिया था। ओके, आप समझना कई सारे आपको फ्रेंड्स मिलते होंगे जिन्होंने बोला हमने 5 बार रिविजन कर लिया। हम सोचते ये कब हो गया, हमसे तो एक बार ना हो पा रहा है। तो सर इट डिपेंड्स ऑन योर प्लानिंग, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ये वो पर्सन है जिसने सेप्टेम्बर मंथ तक एक बार ही पढ़ा था, एक बार ही रिविजन हुआ था इसका, समझे मेरी बात, और सेकेंड रिविजन डायरेक्ट अक्टूबर में हुआ था। आप मेरी बात समझ रहे हो, पर इसने सेप्टेम्बर तक जो रिविजन किया था फर्स्ट टाइम, वो पूरा फुल कॉन्सेप्चुअली विथ ऑल द प्रैक्टिकलिटी इसने पूरा दम लगा दिया था, और उसके बाद पढ़ाई करी थी। तो इट वॉज इक्विवेलेंट कि सर इसको सब कुछ आता है, मतलब ऐसा नहीं कि अक्टूबर मंथ में इसको कोई नई चीज पता पड़ रही है। इसको जब अक्टूबर में गया तो इसको सब चीजें आती थी, इसको केवल रिवाइज करना था, रिविजन करना था, रीडिंग नहीं करनी थी केवल। इसलिए आपकी जो नेचुरल स्टाइल है पढ़ाई की उसको कंटिन्यू करो, और जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो बहुत तरीके से पढ़ने का है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने का है, सो दैट सेकेंड टाइम आप जब पढ़ रहे हो तो आप अपना रिविजन कर पाओ, ओनली रीडिंग नहीं करें हम लोग, ठीक है। तो आपका प्लान जो आपकी नेचुरल स्टाइल है उस अकॉर्डिंग ही बना सकते हो, आपको किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, हम उन दूसरे लोगों के एग्जाम्पल्स लेके मोटिवेट हो सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक करी और कहाँ हम उनसे सीख सकते हैं। क्लियर? तो सर फर्स्ट रिविजन ही कब हुआ इनका? सितंबर एंड तक, ठीक है। तो इन्होंने भी आर्टिकल से छुट्टी केवल 4.5 मंथ के लिए, उसके बाद भी पॉसिबल है, समझा मेरी बात बच्चों? क्लियर? और हाँ, इसने अपना माइंडसेट तैयार किया था कि मेरे को 12 आवर्स ही पढ़ना है, तो सर ही वॉज फॉलोइंग हिज नेचुरल स्टाइल, ठीक है। एट द एंड पता पड़ा कि सर टाइम कम है, तो जो इसका नेचुरल वे नहीं था कि इसको सोना ही है 8 घंटे, इसने उसको भी सेक्रीफाइस किया, और सेक्रीफाइस किया तो रिजल्ट आया। क्लियर? तो हमको अपना पूरा 100% एनर्जी देना है, पॉजिटिव डायरेक्शन देना है, आपकी नेचुरल स्टाइल को नहीं खोना है और आगे बढ़ना है। क्लियर? समझे मेरी बात? तो आप मुझे बताओ एक और चीज कि जब आप अक्टूबर मंथ में पढ़ने बैठे हैं, जब रिवीजन करने बैठे आप, तब एवरेज लगभग 4 दिन आपके पास थे एक सब्जेक्ट के लिए, तो जो आप टारगेट सेट करते थे क्या उस टारगेट में कंफर्म हो जाता था काम? एक और इसका गला आज बताता हूँ आपको, मैंने इसको बोला था कि आज इंटरव्यू लेना है, इसने बोला सर रात को 12 बजे फोन किया मैंने इसको, इसने बोला सर डन आ जाऊंगा मैं, फिर मॉर्निंग में इसने बोला सर कल मेरे को फीवर था, थ्रोट इन्फेक्शन था, खांसी थी, पर मैंने सोचा हो जाएगा वो मैनेज, पर आज मॉर्निंग में इसने बोला कि सर चौक हो गया गला एकदम। मैंने कहा इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया है, बच्चे वेट कर रहे हैं। इसने सर इमीडिएट डॉक्टर के पास गया, दवाई ली, इंजेक्शन लगवा के आया है, हमारे साथ बैठा है ये।
तो सर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कमिटमेंट. तो सर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप कोई भी काम करो अगर आप कमिटेड हो, डेडिकेशन अगर आपका है, तो सक्सेस आपकी होगी 100% होगी. और सर डिग्री तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो वी शुड लर्न. तो सर आपसे मैंने पॉइंट पूछा, आप बताए क्या करना चाहिए. मैं क्वेश्चन भूल गया, सॉरी, क्या था? क्या था उस लास्ट मंथ था, अक्टूबर मंथ. अगर उस अक्टूबर मंथ में जो आपने प्लान बनाया कि एवरेज 3 to 4 days में को पावर सब्जेक्ट मिलेंगे, उस टाइम जो आपने प्लान बनाया था, क्या वो एग्जैक्टली फॉलो हो गया या कुछ वेरिएशन आए? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएशन आए मेरे तो प्लान में. मतलब वैसे मैंने 4 days पर सब्जेक्ट दिया था, तो मैं रिवर्स ऑर्डर में चालू गया था अक्टूबर मंथ में. तो IDT, DT, रिस्क मैनेजमेंट तो मैंने नहीं किया था, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट था कि मतलब वो एग्जाम के दिन हमको 3 दिन की छुट्टी दी रिस्क मैनेजमेंट के टाइम. तो मैंने वो अक्टूबर मंथ में नहीं किया था. FR के लिए 7 days ऐड कर दिए थे मैंने. तो फिर IDT DT रिवर्स ऑर्डर में चालू किया था मैंने. तो IDT को ही मेरे को 4.5 days लग गए, DT को 5.5 days लग गए. तो मैंने क्या सोचा था कि एक बार FR को जो 7 days दिए ना, वो मैंने बफर के टाइम पे टाइप के दिए थे. मतलब FR को एक्चुअली 5 days से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए थे लास्ट टाइम. मतलब एग्जाम के 5 दिन, एग्जाम जो है 1 November को था, तो 5 दिन पहले भी चालू किया तो हो जाता था. लेकिन मैंने एज अ बफर रख के रखा था 2 दिन का, कि कुछ भी हो जाए तो FR को ज़्यादा टाइम दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है. अगर 24th तक खत्म हो जाता है हर एक सब्जेक्ट का रीडिंग, तो 25th अक्टूबर से मैं FR चालू कर दूंगा. लेकिन DT IDT के बाद ही पता चला कि इतना मतलब एक्सटेंड हो रहा है मेरा. तो जो मैंने बफर रखा था 2 दिन का, वो मेरा एक बहुत ज़्यादा काम आया. मतलब FR के लिए फिर मैंने 5 days पे मैनेज कर लिया. सीनियर्स को भी फ़ोन करता था कि FR हो जाएगा, वो इनफैक्ट बोलते थे तूने 7-8 दिन बहुत ज़्यादा दे दिए FR के लिए. तो वो भी मैंने भी उनको बोला कि बफर के लिए रखे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अभी एक्सटेंड तो होने ही वाला है. तुम लोग जो टारगेट सेट करने वाले हो ना, डेफिनेटली एक्सटेंड हो गए ही हो गए. मतलब सब ऐसे अभी रोबोट्स तो नहीं हम लोग की जो टारगेट सेट किए वो अचीव कर ही पाएंगे. तो जो एक्सटेंड हो गए ना, एक बहुत अच्छी एडवाइस यही देना चाहूँगा कि पैनिक बिल्कुल मत होना वो टाइम पे. मतलब वो टाइम पे ऐसा ही सोचना है कि जो एक बफर रख लेना 1 या 2 दिन का, और वो टाइम पे ऐसा ही सोचना है कि मतलब एक्सटेंड हुआ है तो क्या हुआ, मैंने ज़्यादा पढ़ाई की है. इनफैक्ट मतलब 4 दिन है तो मैंने ये सब्जेक्ट को 4.5 दिन दिए, अभी एग्जाम में और अच्छा मैं स्कोर कर पाऊंगा, तो मैं यही सोचता था. और DT के लिए भी 5.5 दिन लग गए. DT तो सबसे वास्ट है 8 सब्जेक्ट्स में, FR और DT, उसके लिए भी 5.5 दिन लग गए. और बाद में फिर SFM को मैंने 4 दिन दिए थे. तो SFM मेरा मतलब स्ट्रांग था पहले से ही, इंटरमीडिएट से ही. तो SFM मेरा 3 दिन में हो गया. तो जो मतलब सब्जेक्ट्स जो स्ट्रांग है वो फिर मैंने 4 दिन एलोकेट किए थे, वो 3 दिन में हो गया. तो ऐसे तुमको मैनेज करना पड़ेगा. अगर एक जगह एक्सटेंड हो जाता है तो दूसरी जगह तुमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी जो है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी. SFM भी मैंने 3 दिन में उतना ही पढ़ा, मतलब जितना पूरा 100% पोर्शन सिलेबस कवर हो गया मेरा 3 दिन में. तो अगर तुम्हारा टारगेट अचीव नहीं भी हो जाता है, तो तुमको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है. यही सोचना है कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इनफैक्ट ये सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया, तो ये सब्जेक्ट में और अच्छा स्कोर कर पाऊंगा मैं. और जो बाकी के स्ट्रांग सब्जेक्ट्स है उसको थोड़ा कम टाइम दे दो, और अकॉर्डिंगली तुम्हारा पूरा टारगेट अचीव हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा. ओके, अब आपका रिवीजन हो गया. जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे थे, जब एग्जाम के 1.5 हफ्ते थे, तो जब एग्जाम में जब आप एंटर कर रहे हो, तब आपका माइंडसेट क्या होता था? क्या आपको 100 में से 100 मार्क लाने हैं? क्या ये माइंडसेट होता था आपका, या क्या माइंडसेट होता था आपका? माइंडसेट एक ही था मेरा, इंटरमीडिएट से यही माइंडसेट था कि पेपर जो है 100 मार्क्स का लिख के आना ही आना है. 8 के 8 सब्जेक्ट जो है मैं 100 मार्क्स का लिख के आऊँगा ही आऊँगा, चाहे मुझे कोई क्वेश्चन आए या ना आए. तो ये माइंडसेट से मैं जाता था. अभी लोग ये भी बोलते हैं कि 80 मार्क्स का अटैम्प्ट करो, 84 क्वालिटी अटैम्प्ट करो, रादर देन 100 का अटैम्प्ट करने से अच्छा. कुछ कुछ लोग मेरे को ऐसे भी बोलते थे कि तू 85 का अटैम्प्ट कर, लेकिन ऐसा अटैम्प्ट कर कि 85 में से देखो 80 आ जाना चाहिए. लेकिन आई एम अगेंस्ट ऑल दिस थिंकिंग. मेरा यही मानना था कि 84 तुम लोग करो, क्वालिटी करो, लेकिन 2 hours 30 या 35 minutes में 84 का क्वालिटी अटैम्प्ट करो, और बचे हुए जो 20 मिनट है ना, उसमें 16 मार्क्स का कुछ तो भी ब्लफ लिख के आ जाओ. मतलब मेरा ऐसा भी हुआ था कि ऑडिट के पेपर में मेरे को 80 मार्क्स का ही आ रहा था. मतलब ऑडिट का पेपर हर एक न्यू क्वेश्चन था हमारे टाइम, तो जो 20 मार्क्स थे वो मैंने ब्लफ किए ही थे, लेकिन छोड़ा नहीं था एक भी क्वेश्चन. तो एक ये माइंडसेट था कि अटेम्प्ट पूरा करना ही करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी तुम लोग ब्लफ भी करोगे ना, अगर 4 में से 1 भी मार्क दे देते तो बहुत बहुत फायदेमंद हो जाता है. मतलब एक हमारे टाइम ऑडिट में ऐसा क्वेश्चन था कि क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन तुम लोग कैसे वेरीफाई करोगे, और मैंने पहले 7 महीने आर्टिकल से बैंक ऑडिट ही किया था. तो जो भी मेरे को प्रैक्टिकल याद आ रहा था, मैं वो पूरा एक पेज भर के आंसर लिख के आ गया था. तो एटलीस्ट मुझे 1 भी मार्क अगर दे दिया होगा उसमें, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा फायदेमंद रहा है वो. तो ये बात है कि ये माइंडसेट से जाता था 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है पूरा, और अटेम्प्ट कैसे करना है उसके लिए मैं स्टॉपवॉच लेके जाता था हमेशा मेरे साथ. तो अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4/100 × 180 7.2 मिनट्स में वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए. ये मेरा पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन था. अगर वो क्वेश्चन को 10 मिनट्स लग जाते
तो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में इंश्योर करना है कि 2.8 मिनट्स कम लगने चाहिए ही चाहिए, तो वो स्टॉपवॉच तो मैं हमेशा लेके ही जाता था, इसी की वजह से मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाया, लेकिन सिर्फ कॉस्टिंग में और डीटी में चार चार मार्क का पेपर छूटा, क्योंकि वो मेरे को आ रहा भी नहीं था और मेरे को मतलब बाकी क्वेश्चन पे मैंने ज्यादा फोकस कर लिया था, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम बट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व देम, और ब्लफ भी नहीं करते आ रहा था वो क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन थे वो। तो बाकी के 6 पेपर्स पूरे अटेम्प्ट किए मैंने 100 मार्क्स के, और ये 96 के अटेम्प्ट हुए कॉस्टिंग और डीटी। तो ये मेरा स्ट्रेटजी था जबरदस्त। और वो जो आज तूने हम सबको एक नई बात सिखा दी है, स्टॉप वॉच वाली बात, मतलब वो 3 आर से तो सब कुछ है यार, अगर उसको मैनेज कर लिया, किसी भी तरह से मैनेज करो पर उसको अगर मैनेज कर लिया तो हम सर काफी हद तक जो हमारा ड्रीम है उसके करीब पहुंच जाएंगे। तो सर 100 मार्क का लगभग अटेम्प्ट करना है, कोशिश वही होनी चाहिए, पर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द 3 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ही डिवाइडेड द 3 आवर्स इन मिनट्स, और उन मिनट्स के लिए सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मिनट लगने चाहिए, प्रॉपरली डिवीजन किया, और सर उस अकॉर्डिंग उसने फॉलो किया, तभी तो सर 90-100 मार्क्स आराम से इन लोगों के अचीव होते हैं। बाकी तो सर यस, इतना अटेम्प्ट करना सीए फाइनल के पेपर के अंदर इट्स वेरी टफ पर ये चीज हम सीख सकते हैं इनसे। ओके गुड, तो एग्जाम दे दिया आपने, ऐसा कोई पेपर गया आपका जब आपको लगा बीच में, एग्जाम के बीच में, कि यार पता नहीं क्या हो रहा है इस पेपर के अंदर? हाँ, ऐसा डीटी के साथ हुआ था, एग्जाम के बीच में नहीं, रादर जो फर्स्ट 15 मिनट्स थे ना, रीडिंग टाइम जो दिया था, तभी मेरे को ऐसा लगा था डीटी के पेपर के टाइम और लॉ के पेपर के टाइम, ये दो सबसे डिफिकल्ट पेपर गए थे मेरे 8 सब्जेक्ट्स में से। तो डीटी और लॉ के टाइम मेरे को तो एक बार ऐसा भी फीलिंग आ गया था कि मतलब पता नहीं इसमें अभी 40 क्रॉस कर भी पाऊंगा या नहीं, मतलब एक सेकेंड के लिए थॉट आया था, लेकिन बाद में मेरे को मेरे सर ने भी ऐसे ही समझाया था कि 15 मिनट जो है ना तुमको बिल्कुल 15 मिनट नहीं, रादर वो 3 आवर्स 15 मिनट है ना, पैनिक तो एक मिनट के लिए भी नहीं होना है। तो मेरे को उन्होंने यही समझाया था, कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना तो एंड में सॉल्व कर लेना, वो जो सबसे क्वेश्चन तेरा स्ट्रांग है जिसमें तू कॉन्फिडेंट है कि 16 on 16 स्कोर कर सकता है वो सॉल्व कर, फ्लो में बाकी के क्वेश्चन भी होने ही वाले। तो वही एटीट्यूड में मैं मतलब डीटी के पेपर भी सॉल्व करते गया, लॉ का भी पेपर सॉल्व किया, तो डीटी के पेपर में भी मतलब जो क्वेश्चन आ रहा था वो सबसे पहले सॉल्व किया, और बाद में जो जैसे क्वेश्चन थे सब न्यू क्वेश्चन थे, मतलब हमारा अटेम्प्ट ऐसा था कि जिसमें ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में न्यू क्वेश्चन पूछे थे ये टाइम, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा था कि रिपीट क्वेश्चन था या कि मतलब ओल्ड कोर्स के पीएम में से या फिर कहाँ से भी रिपीट नहीं था, सब न्यू क्वेश्चंस थे। तो जब न्यू क्वेश्चंस देखते तो स्टूडेंट का ऐसा माइंडसेट होता है कि अभी मतलब क्या लिखो इसमें, ये क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है, अगर एक नोन क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि चलो ये क्वेश्चन मैंने देखा है तो ये मैं सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन जब सब न्यू क्वेश्चंस होते हैं तब स्टूडेंट भी एक मोमेंट पे पैनिक हो जाता है, एंड दैट इज द मोमेंट व्हेन यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो टाइम पे पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, वो टाइम पे तुमको ये सोचना है कि जो स्ट्रांगेस्ट है तुम्हारा, जो क्वेश्चन तुमको पूरा आएगा वो सॉल्व करना है, और ट्रस्ट मी धीरे धीरे वो ऑप्टिमिज्म के साथ तुम लोग नीचे के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है डीटी में भी, एमसीक्यू बहुत ईजी थे मेरे, मतलब एमसीक्यू तो बहुत अच्छे गए मेरे, और जो थियरी वो जो 70 मार्क्स का भी था उसमें भी आई डिड वेल ओनली, जबरदस्त। और जो ये सोचा था कि 40 भी नहीं आएंगे, ही स्कोर 65 इन डीटी एंड 55 इन लॉ, तो मतलब डर तो सबको लगता है, तो इसने हार नहीं मानी। कई बार क्या होता है, पेपर देखा आपने, डर लग गया, पैनिक हो गए, और वो 3 आवर्स हमने खराब कर दिया। इसलिए उस वक्त का हमको बहुत ध्यान रखना है, डोंट गेट पैनिक एट ऑल, वो 3 घंटे आपको पूरा लड़ाई करनी है, लड़ना है, यू आर अ सोल्जर। ओके ग्रेट, ऐसा कुछ हुआ कि पेपर देने के बाद आपको कुछ लगा होगा ये पेपर मेरा बिगड़ गया है, पता नहीं अब क्या होगा, ऐसा कुछ? नहीं हुआ, ऐसा डीटी के बाद ही हुआ। मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर दी थी डीटी के पेपर में, मतलब ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड भी नहीं था, पता नहीं मेरे साथ गलती क्या हुई कि शायद टाइम मैनेजमेंट का जो है वो मैं प्रॉपर नहीं कर पाया डीटी के पेपर में, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स का था उसको मैंने शायद 45 टू 50 मिनट्स ले लिए थे, जो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने एमसीक्यू में कवर कर लिया था, एमसीक्यू मेरे 20 मिनट में हो गए थे, जो मतलब 30 मार्क के होते, तो एमसीक्यू तो बहुत जल्दी कर लिए थे, लेकिन जो है फर्स्ट क्वेश्चन था उसको 45 टू 50 मिनट्स मतलब बहुत ज़्यादा दे दिया था, तभी मैं थोड़ा घबरा गया था। और उसी के कारण यही तुमको एक एडवाइस है कि मैंने जो मिस्टेक की वो तुम मत करना, मैं डर गया था थोड़ा, और उसी के कारण मेरी 2 या 3 सिली मिस्टेक्स हुई है, जिसके कारण आई नो आई हैव लॉस्ट 8 to 10 मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्स, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि वो मिस्टेक्स ऐसी थी कि मैं घर गया ना मेरे को ऐसे स्ट्राइक हो रहा था कि यार ये मिस्टेक मैंने ऐसे कर ली, मतलब मैं नींद में सो रहा था ना रात को डीटी के पेपर के बाद, ये याद आ रहा था कि यार ये मिस्टेक मैंने कैसे कर ली वापस, तो इतना ये डीटी के पेपर के बाद ऐसा हो गया था, मतलब थोड़ा सा ही पैनिक हुआ और ओल्ड रैंक 1 मिस होके 5 पे आ गया सर
पर हमारे लिए तू ओल्डर रैंक वन ही है हमेशा जिंदगी में, पहले भी हमारे लिए ओल्डर रैंक वन ही था तू और आज भी और हमेशा रहेगा, क्योंकि यू आर अ वेरी गुड पर्सन. ही इज नॉट ओनली अ पर्सन ऑफ सक्सेस सर, ये बहुत अच्छा इंसान भी है. ही इज ऑलवेज डाउन टू अर्थ, ऑलवेज हेल्पिंग नेचर का पर्सन ही है. मैंने कई जगह इसको देखा है, आगे होके इसने पार्टिसिपेट किया है दूसरों की हेल्प करने के लिए. एंड रियली वी शुड लर्न दिस फ्रॉम हिम ऑल्सो. क्लियर? जबरदस्त. तो अब जैसे डीटी का पेपर था फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा आपका आपका सा लगा अच्छा नहीं हुआ, ऑल दो स्कोर 65 मार्क. सर 65 मार्क आने के बावजूद भी मतलब उस पेपर के अंदर ये सोच रहा था कि अच्छा नहीं हुआ, तो क्या वो दिन आपका पूरा खराब हो गया? क्या उसका इम्पैक्ट इंडायरेक्ट टैक्स में आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया उसका इम्पैक्ट. हाँ, एग्जैक्टली. ये भी मैं बोलने वाला था अभी कि जो पेपर हो गया तुम्हारा, उसके उसके बाद आने के बाद मतलब मत सोचना वो पेपर के बारे में, और नेक्स्ट पेपर जो रहेगा उस पर इम्पैक्ट बिल्कुल मत आने देना. मतलब डीटी के पेपर के बाद मैं थोड़ा डिमोरलाइज हो गया था, थोड़ा ये मतलब एकदम सैड हो गया था मैं कि इतनी सिली मिस्टेक्स मेरे से कैसे हो गई. लेकिन मम्मी ने भी, मम्मी पापा दोनों ने, उनका तो बहुत बड़ा रोल है ये सक्सेस में. उन दोनों ने इतना मोटिवेट किया मेरे को पेपर के आने के बाद भी. उन्होंने मतलब यही बोलते थे कि नेक्स्ट पेपर पे फोकस कर, ये जो आज का पेपर है वो छोड़ दे, तू लिख के आया है, देखो जितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है वो मिल जाएंगे, टेंशन मत ले. तो नेक्स्ट डे जब मैं उठता था फ्रेश माइंड के साथ, तो तभी ऐसा ही थॉट था कि अभी मैंने पीछे कोई पेपर ही नहीं दिए, ये मैं फर्स्ट पेपर देने जा रहा हूँ सीए फाइनल का, ये माइंडसेट के साथ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठता था. मतलब यू वोंट ट्रस्ट मी कि मैं पेपर के आने के बाद नहीं पढ़ाई करता था. 2 से 5 का अगर पेपर है तो 5 बजे के बाद नहीं पढ़ाई करता था मैं, वो शाम में 7-7:30 बजे सो जाता था. अच्छा. तो ऐसा था मतलब वो आने के बाद, क्योंकि मेरा ऐसा था कि अगर मैं IDT अगर पढ़ता भी तो मैं पेपर से जस्ट आया हूँ, तो मतलब मेरा ऐसा था कि पढ़ाई नहीं होती थी, मैं उसके बारे में ही सोचूंगा मोस्टली. यूजुअली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है. मैंने ट्राई किया था FR के पेपर के बाद SFM पढ़ना, वो रात को पेपर के बाद ही 5 बजे पेपर छूटा FR का, 6-6:30 बजे बैठा, लेकिन नहीं हो पाया SFM का. तो मैंने डिसाइड कर लिया कि पेपर के आने के बाद आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप अर्लियर, आई विल स्लीप एट 7:30 एंड वेक अप एट 4 इन द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो वो 9 घंटे मैं तभी कवर कर लेता था और 4 घंटे फिर एग्जाम के दिन सोता था. मतलब 9+4 13, 6.5 आवर्स ऑन एन एवरेज. तो ऐसा मैं करता था. तो इसी के साथ इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं आने देना है. इसीलिए मतलब मेरा क्या स्ट्रैटेजी था कि जल्दी सो जाओ ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश माइंडसेट के साथ उठोगे और पिछला वाला दिन है वो पूरा भूल जाना है. ऐसे अपीयर करना है कि ये मेरा फर्स्ट पेपर है सीए फाइनल का. हर एक पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करना है. तो IDT में इसीलिए मैं वैसे माइंडसेट के साथ गया, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई हैव स्कोर्ड 86 इन IDT. अगर मैं पैनिक होता और DT के पेपर के बाद मतलब एकदम डीमोरलाइज हो जाता, तो आई डोंट थिंक कि मैं 86 स्कोर कर पाता IDT के पेपर में. मतलब कोई पेपर अगर गलती से, मतलब आपको लगता है कि मेरे को ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, अच्छा पेपर होना चाहिए था और नहीं हुआ, तो परेशानी तो होती है, दिल दुखता है, क्योंकि आपकी बहुत सालों की मेहनत है, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो आती है. पर सर आपको उस सिचुएशन को मैनेज करना है. आपको अगर पढ़ाई करनी है तो उसको भूलना पड़ेगा, और भूल नहीं पा रहे हो तो या तो रेस्ट कर लो, सो जाओ, और उसके बाद आप फ्रेश माइंड से पढ़ाई करो. मतलब आपकी नींद को एडजस्ट करोगे तो मजा आ जाएगा, और नींद को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको. क्यों? आपके लिए टारगेट बहुत बड़ा है, डिग्री CA. ओके, जबरदस्त. तो साहब जो इन्होंने टाइम सेक्रीफाइस किया, जो इन्होंने अपने आप को मैनेज किया, अपने टाइम को मैनेज किया, नींद को मैनेज किया, और सर इसने जिस तरह से पेपर्स दिए, उन सब से हमको सीखना चाहिए कि हम भी अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, हमारी नींद को मैनेज कर सकते हैं. कि सर शाम को 7 बजे सोना है, जो प्रैक्टिकली हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते. जो इसने किया है, जो प्रैक्टिकली ये भी नहीं करता था, 11-12 बजे सोता था एवरेज. क्लियर? तो वो भी हम कर सकते हैं. अच्छा, आपके कोई क्वेश्चंस अगर इससे हो, ये न्यू सिलेबस का स्टूडेंट है, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो हम बात कर सकते हैं. हाय, मेरा एक क्वेश्चन था कि कॉस्टिंग अभी न्यू सिलेबस में पैटर्न पूरा डिफरेंट है, लाइक थियरी प्लस प्रैक्टिकल, तो उसके लिए अप्रोच क्या रखना है, कौन सा स्टडी मटेरियल रिफर करना है, कैसे क्या करना है, अगर आप बता पाए. तो कॉस्टिंग के लिए व्हाट आई हैड डन इज आई रेफर्ड द मॉड्यूल्स, तीनों मॉड्यूल्स रेफर किए थे, न्यू सिलेबस. तो और ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व किया था. तो कैसे है मॉड्यूल में जो है कंटेंट वाइज बहुत अच्छा है मॉड्यूल, कॉस्टिंग का मॉड्यूल इज वन ऑफ द बेस्ट इन ऑल द 8 सब्जेक्ट्स. और उसमें प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो थोड़े कम है कॉस्टिंग के मॉड्यूल में, तो इसलिए मैंने ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व किया था जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे थे. तो ये दो चीज़ें मैंने की थी कॉस्टिंग के लिए. और कॉस्टिंग अभी ऐसा सब्जेक्ट हो गया कि इट इज़ मोर ऑफ अ थियोरटिकल टाइप ऑफ पेपर, क्योंकि मई 19 में भी अगर आपने देखा होगा तो 50 मार्क्स की थियरी थी कॉस्टिंग के पेपर में, नवंबर 19 में भी 40 मार्क्स, अराउंड 35-40 मार्क्स की थियरी थी. तो थियरी जो है वो तो सिर्फ मॉड्यूल से ही करना, सिर्फ उसके लिए PM रेफर भी मत करना, क्योंकि मॉड्यूल में से वो लोग जहाँ पे बुलेट पॉइंट्स अगर दिख जाते हैं ना ICI को, तो दे विल जस्ट चेरी पिक दैट पर्टिकुलर सेंटेंस एंड आस्क यू इन द एग्जामिनेशन. तो
थियरी के लिए स्टडी मटेरियल रेफर करना तीनों मॉड्यूल्स, और स्पेसिफिकली एग्जाम डे पे मैंने मॉड्यूल 3 जो है वो पूरी पढ़ के गया था. तो मॉड्यूल 3 के अकॉस्टिंग का केस स्टडीज, जिसमें 20 केस स्टडीज दी है, और जो फर्स्ट केस स्टडी वो 20 मार्क्स की है. इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ टू केस स्टडीज आउट ऑफ दैट मॉड्यूल ओनली. तो इसीलिए वो बहुत हेल्प हुआ था मेरे को. और कॉस्टिंग के लिए अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस ओल्ड कोर्स पीएम से, और थियरी जो है वो न्यू कोर्स की स्टडी मटेरियल से. कॉस्टिंग के लिए ये अप्रोच था मेरा. एंड फॉर एसएफएम लाइक यू प्रैक्टिस्ड ऑल द सम्स. एसएफएम के लिए प्रैक्टिस्ड ऑल द सम्स एज इन आई यूज्ड टू सॉल्व दो सम्स व्हिच आई थॉट कि आई वुडंट बी एबल टू सॉल्व दिस सम इन द एग्जामिनेशन इफ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. सो व्हाट माय स्ट्रेटजी वाज दैट, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो मैं ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो ये पहले ही मैं दो बार बुक में सॉल्व कर लेता था मेरे. तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट रीडिंग में आर मार्क किए थे क्वेश्चंस, आर फॉर रिवाइज. तो आर मार्क क्वेश्चंस किए थे, और यही क्वेश्चंस मैंने एग्जाम के जो डेढ़ दिन का गैप रहता है वो डेढ़ दिन में आर मार्क क्वेश्चंस ही रेफर किए थे. तो ये क्वेश्चंस तुमको फर्स्ट रीडिंग में ही जॉट डाउन कर लेने कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, और तुमको मतलब अगर तुम लोग सॉल्व करने बैठो तो आएंगे नहीं. तो ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा. तो एसएफएम के लिए दैट वाज माय अप्रोच. और थियरी जो है वो स्टडी मटेरियल से ही किया था. जो 16 टू 20 मार्क्स का थियरी आता है वो स्टडी मैट से किया था एसएफएम का. तो एसएफएम के लिए माय बेस्ट एडवाइस वुड बी ओल्ड कोर्स का पीएम इज अ मस्ट. ओल्ड कोर्स का पीएम तुमको सॉल्व पूरा करना ही करना है. आई टेल यू इन माय अटेम्प्ट नवंबर 19 में ऑलमोस्ट 90 मार्क्स का लिटरली द पेपर वाज चेरी पिक्ड फ्रॉम द ओल्ड कोर्स प्रैक्टिस मैनुअल. मतलब क्वेश्चंस जो है वो उठाए थे ओल्ड कोर्स के पीएम में से. तो एसएफएम और एफआर ऐसे पेपर थे जिसमें मैंने क्वेश्चंस देख रखे थे ऐसा लग रहा था, लेकिन बाकी 6 सब्जेक्ट्स में सब न्यू क्वेश्चंस थे. एंड फॉर थियरी सब्जेक्ट्स स्टडी मटेरियल रिफर करना जरूरी है. मैंने किया था, मतलब लॉ के लिए नहीं किया था क्योंकि लॉ के लिए अपडेटेड मटेरियल नहीं आया था. तो मैंने लॉ के लिए स्टडी मटेरियल नहीं रेफर किया था, बट देन फॉर ऑडिट आई हैड रेफर द स्टडी मटेरियल ऑल्सो. क्योंकि आईसीएआई इज आस्किंग सो माइन्यूट क्वेश्चंस नाउडेज कि whenever you'll see bullet points in the modules, वो उन पे क्वेश्चन बना के पूछ सकती है ICAI. तो वो मॉड्यूल में से ही होगा. रेफरेंस बुक्स में से चांसेस कम है क्योंकि रेफरेंस बुक्स में मतलब कंटेंट कवरेज पूरा होता है या नहीं आई डोंट नो. तो मैंने मॉड्यूल्स में से ही किया था ऑडिट भी. सिर्फ ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स वो नहीं पढ़ी थी, वो तो नहीं हो पाया था. तुमको अगर टाइम मिलता है तो कर लेना, लेकिन वो मेरे से तो नहीं हो पाया था, बहुत बड़ा है वो. तीनों मॉड्यूल्स पढ़ लिए थे सिर्फ मैंने ऑडिट के लिए. ओके, यस यश. So did you end up summarizing while you were reading from the study mat, like for example costing theory hai, audit hai, so did you summarize it or did you just mark it there itself and then refer it the next time? Actually, because of lack of time, I didn't summarize it. If you have time of 5 months or 5.5 months, so you should definitely summarize the notes, because whatever is handwritten, it is going to be very helpful for you to write in the examination, because you have already written that in a particular notebook on a particular page. But to be frank, I didn't have that much of time ki if I sit writing that particular subject and jotting down the notes in a separate notebook, I don't think I could have managed all the 8 subjects in 3 months and 23 days. So because of lack of time, I didn't do it. I had highlighted the portion which I'm going to read it in the second and third reading. So that was my strategy. So I had highlighted in the modules itself, and on the top of every page, I used to write what is important on this particular page. So that was my strategy. So on modules itself, I used to write what is the topic which you should study from this page. So if I read the heading on the page, I'll just recognize what is there on this particular page. That was my strategy. But if you have time, guys, like this is very frank opinion that you should write, you should make your own notes for theory subjects. It will help you to memorize them faster and in a quicker, efficient way. So if you have time, definitely go for writing the notes. But if you don't have time, not an issue. Just read it multiple times. You will be able to memorize it. And marking karna chahiye book in those time? Definitely, definitely. Yes. Markings, wo to karna hi chahiye. Matlab, first reading mein tumko itna concise reading karna hai, ki tumko pata hona chahiye ki exam ke deir din pehle mereko kya padhna hai. To itna concise first reading hona chahiye. To first reading mein hi maine mark kar liya tha ki ye mereko second reading mein itna padhna hai, third reading mein itna padhna hai. Isliye mereko first reading mein itna time laga, to be frank. तो फर्स्ट रीडिंग शुड बी ऐसा कि जो तुम्हारा फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लैरिफाई कर देने चाहिए. और जब तुम सेकेंड रीडिंग पे जाओगे डाउट आना ही नहीं चाहिए कोई भी फेज में. तो डाउट्स पूरे क्लैरिफाई कर दो फर्स्ट रीडिंग में, हाईलाइट कर लो, आर मार्क करो वो क्वेश्चन जो तुमको रिवाइज करने सेकेंड और थर्ड रीडिंग में, और एग्जाम के डेढ़ दिन पहले वही पढ़ना है सिर्फ मार्किंग्स. जबरदस्त. मतलब आप अगर समरी नोट बना पाओ सबसे बेस्ट है. टाइम नहीं है, डोंट पैनिक. आपको जो बुक आप पढ़ रहे हो उसमें मार्किंग करके आपको वो हाईलाइट करना है पोर्शन कि मेरे को यही पढ़ना है. ओके, सो दैट विल बी द की ऑफ सक्सेस टू रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. यस, एनी मोर? यस, यश. अनदर इशू इज व्हाइल प्रिपेयरिंग द एफिशिएंसी. सो फॉर एग्जांपल इफ यू स्टडी फॉर 10 आवर्स, सो क्वांटिफायबली इट्स 10 आवर्स, बट एक्चुअली इट्स प्रोबब्ली लेसर देन. राइट,
How did you maintain the efficiency and the effectiveness? Because a lot of people are sitting from morning till night, but not able to get the output. Right. The main issue is in getting the output. Right. So, like everyone says, like according to me also, effective study is more important than longer hours of study, definitely, because this is a course wherein you have to memorize things and also you have to apply those concepts in your practical life and in the paper also. So like studying effectively for 12 hours or studying effectively for 10 hours in a day is much better than studying for 12 hours with a couple of hours of distraction. So this is a very good question, as in efficiency should be 100% while studying. What my strategy was, I used to lock myself up in my room. I used to sit for 2 hours. I used to study for 2 hours, and there were 6 slots of 2 hours each. So that was my strategy of 12 hours. So in those 2 hours, I used to think as if nobody existed in this world. Books and me are the only two things which are existing. I used to take my water bottle with me, and in those 2 hours, I didn't used to get out of the study table also. I didn't used to go out of my room also. Even if any guest used to come at my home, my mom, dad used to ensure that they'll sit in my parents' room and not in the hall, because I used to get disturbed if they were sitting in hall. So even their help was very nice. Yes. And above all, efficiency and effectiveness, these are the two things which are going to matter the most. मतलब जो एफिशिएंसी से पढ़ाई करोगे तुम लोग, बीच में ऐसे भी थॉट्स आएंगे कि तुम लोग को दोस्त तुम्हारे बाहर बुलाएंगे, या फिर देल से कि यार कम आउट नाउ, कितना पढ़ाई करेगा, 4 महीने से पढ़ रहा है तू. रिलेटिव्स भी बोलेंगे तुमको कि यार इतना कोई पढ़ाई करता है क्या. अभी लाइक आई विल जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस कि आई हैड टू अटेंड एन एंगेजमेंट ऑल्सो ऑफ माई फर्स्ट कजिन इन सेप्टेम्बर, बट आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज माई एग्जाम्स वर देयर. वो सेक्रीफाइस किया, मतलब रियल कजिन थी वो, लेकिन उनकी एंगेजमेंट में मैं जा नहीं पाया. रक्षाबंधन का फेस्टिवल मेरे घर पे था, 50 मतलब हमारे पूरी फैमिली 50 लोग आए थे घर पे. आई वेंट टू द लाइब्रेरी, आई डिड नॉट स्टे एट होम बिकॉज एक पूरा दिन चला जाता मेरा, वो पूरा सैक्रिफाइस किया मैंने. दिवाली जो है, दिवाली तो पेपर्स में ही निकल गई, 1 नवंबर से थी तो दिवाली उसमें निकल गई. तो ये सब जो भी सैक्रिफाइसेस थे, ये सब वर्थ इट लगे मेरे को जब मेरा रिजल्ट आया. और यही लोग जो पहले बोल रहे थे कि इतना पढ़ाई करेगा, वही लोग रिजल्ट के बाद बोलते कांग्रेट्स सर, तो अच्छा हुआ तू पढ़ाई कर रहा था, अच्छा हुआ तू मतलब यहाँ पे नहीं आया, नहीं तो तेरा रिजल्ट इतना नहीं आ पाता. Yes. तो वो तुमको सैक्रिफाइसेस और डिस्ट्रैक्शंस आने ही वाले, एक्सटर्नल फोर्सेस जो है, इट इज अप टू यू. एक बार तुमने डिसाइड कर लिया तुमको ये चीज करनी है ना, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाए तुम लोग वो अवॉइड कर सकते हो. नो मैटर व्हाट पीपल से, नो मैटर व्हाट एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कम इन योर लाइफ, यू विल गेट द वे टू अवॉइड दोज डिस्ट्रैक्शंस. मतलब डिस्ट्रैक्शन केवल हमारी लाइफ में नहीं आते, सबकी लाइफ में आते हैं. ठीक है, हाउ यू डील, हाउ यू मैनेज दैट, दैट मैटर्स. डेडिकेशन और कमिटमेंट बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा. ठीक है, क्योंकि सी ए फाइनल. यस, डेफिनेट, जबरदस्त. एनी मोर? यस आदित्य. एफआर में मतलब व्हाट इज योर, व्हाट वाज योर अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग थ्रू इंडेस एंड हाउ डिड यू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस इन द एग्जाम? सो अप्रोच एज इन प्रिपरेशन ऑफ इंडेस, आई हैड रेफर्ड फ्रॉम द मॉड्यूल्स इटसेल्फ, सो आई रेड ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ एफआर आल्सो. एंड अप्रोच एज इन, are you asking like how to attempt the questions in the examination? So basically in FR, like you don't need to write the entire provision and the entire name of index, you just need to solve the sum. Like FR is a practical subject, so if they are asking you to pass the journal entries as per index 109, you'll just need to pass the journal entries. You don't need to write the provision and the relevance like the way you write in law and audit. So you'll have to make sure that this is a practical subject, and you have to solve it in a way that ensures that this is a practical subject. So you have to write the answer in a practical way as you write in SFM. And if there are theory based questions, you will have to quote the name of Ind AS and the provision and the relevant provisions. Like in our attempt, there was a question on agriculture, so Ind AS 41. So in that particular question, we had to refer the name of Ind AS, and like I had written down the para numbers also of Ind AS. Like I had memorized few para numbers in Ind AS. So if it is possible for you, then only memorize the para numbers, like the ones which are important. Otherwise, it is not necessary to learn the para numbers, but then it will just add an edge according to me. Like the mindset of examiner would change if you write the para numbers. He would be of the view that this student has come with a lots of preparation. So he would check the next questions in a different way as compared to a student who has not written the para numbers. So yes, that was my main motive. Ki even in IDT, DT, law, I had written all the provisos, all the rules, all the, like even if it is the second proviso to rule 10-2. So I had written that also. So that was my strategy to impress the examiner. And that's why I think I could score so much in IDT. That was the main reason. So even superb. In FR, like you'll have to follow this kind of approach. Jabardast. Yes. Any more query? Puchna. Yes.
did you prepare for direct tax? Direct tax, like I had bought a reference book and I had referred all the modules. Like there were 4 modules of direct tax. So in that reference book only, I had jotted down what extra things are there in the module and what things are not there in this reference book. So what I had done is that in that book only, I had written down all the things which are then in the modules. I had referred, like I had ensured that there is cross-referencing. So whenever you're referring two, like whenever you're referring two types of books, like I had referred modules and class notes, I used to ensure that in the last 1.5 days, I'll read only one book and I'll mark the important things which are there in the other books in this particular book only. Yes. So for example, DT mein kaise kiya tha maine, ki jo book thi, reference book thi, usme I had marked ki refer this page of module this for illustration this. Matlab ye time, ye concept jab padha, to ye illustration meko saath mein padhna hai modules mein. To ultimately meko ek hi book padhni hai, lekin ek hi book mein maine cross-linking de di thi charo modules ki, jiske saath charo modules aur wo reference book sab mein pad paya tha. So it is not ki tumko charo modules bhi padhni hai aur ye bhi padhni hai, tumko ek hi book padhni hai ultimately, lekin cross-referencing itna strong hona chahiye na, ki pura content 100% cover ho jana chahiye. So that was my strategy in DT. And perfect, to be very frank, DT aisa paper hai ki sabse zyada time consuming hai. Matlab it is very vast. FR sabse vast hai, lekin FR ke liye tumhare paas 6 din rehte already. FR is the first paper. DT ke liye tumhare paas time nahi rahega, der din hi rehta hai. To der din mein manage karna, it is very difficult. Isliye my best advice is ki ek hi book refer karna aur wo book mein cross reference de dena agar tumko lag raha hai ki ye book mein wo cheeze chhut gayi hai to. Perfect. What about the case laws? Case laws bhi maine module se padhe the. और वो रेफरेंस बुक जो मैंने मंगवाई थी उसके एंड में केस लॉस भी थे ही. तो मैंने केस लॉस का ऐसा किया था कि जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे मेरे को वो मैंने लर्न किए थे. एक्चुअली मेरा एक एडेड एडवांटेज था कि मैंने आर्टिकलशिप 1.5 ईयर डायरेक्ट टैक्स में की है, तो मोस्टली जो भी केस लॉस थे वो मेरे को पहले से ही पता थे. तो मेरे को कुछ कुछ केस लॉस साइटेशंस के साथ लर्न थे, लेकिन एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली वो पूछे नहीं. तो कुछ मतलब केस लॉस मेरे हिसाब से लर्न करने ही चाहिए, क्योंकि एक फिक्स क्वेश्चन तो आएगा ही 4 मार्क का. पीपल अगेन से है कि 4 मार्क का ही क्वेश्चन है, क्यों केस लॉ लर्न कर रहे हो तुम लोग, कि क्यों मतलब तुम लोग लिख दो ऐसे. लेकिन माई एटीट्यूड वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट कि मेरे को 100 मार्क्स का अच्छा अटैम्प्ट करके आना है, मैं एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं. तो केस लॉज मैंने वो रेफरेंस बुक से रेफर किए थे. और मॉड्यूल में अगर तुम लोग देखोगे तो एंड में क्वेश्चन रहते हैं, मतलब मॉड्यूल के चैप्टर के एंड में, तो उसमें जो केस लॉज थे वो मैंने सेपरेट शीट ऑफ पेपर पर लिख लिए थे कि ये केस लॉ है और ये क्या बोल रहा है. तो वैसे हर एक केस लॉ लिख दिए थे और वो फिर मैं मतलब डेली सुबह पढ़ता था जब डीटी की रिविजन करता था. Okay, superb. And same applies for section numbers also. So section numbers bhi ek separate piece of paper pe likh diye the. Section number, section name. Aur daily subah 5 baje udke pehle yahi padhta tha. Section number, section name. Half an hour mein ho jata tha, lekin roz padhta tha to isliye memorize ho gaye. Very impressive. Very impressive. Zabardast. Any more query? Any more point? So yaar humne bahut suna hai ki tere jo creative ideas hai padhai ke liye to yahi hai. कुछ थोड़ी धमाल भी हो जाए, एक तेरा क्रिएटिव सॉन्ग जो तू रैप सॉन्ग वगैरह बनाता है, एक कुछ हमारे लिए हो जाए. देश की जनता पूछ रही है कि कुशल जो गाने गाता है, एक गाना सैंपल बेस पे हो जाए यार. तो वो जो क्लास में गाया था लास्ट ईयर वही गा लेता. अरे माहौल जबरदस्त, जबरदस्त में गाया था. ओके जबरदस्त, ठीक है. तो जीएसटी का जब क्लास था लास्ट ईयर तभी गाया था ये. तो हियर इट गोज. ऐसा माहौल मेगा एग्जेम्पशन जो जीएसटी में देखा, ये नन्ना सा दिल डर गया. 10 का क्रेडिट आखिर क्यों आया, समझना मुश्किल हो गया. क्लास में मेरे इमरजेंसी एग्जिट है, जिसको है जल्दी वहां से जाए. कस्टम्स पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे अपील्स में. मैं लुट गया जब मुझसे पूछा गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई है कहा. क्या कहूँ मंगल रुबा, ये जादू रूल 42 का, ये मेरा कातिल हो गया. मेगा एग्जेम्पशन जो जीएसटी में देखा, ये नन्ना सा दिल डर गया. 10 का क्रेडिट आखिर क्यों आया, समझना मुश्किल हो गया. माहौल एंड इसको 86 इन डायरेक्ट टैक्स. मतलब जो मुश्किल हुआ उसको भी इसने सिंपल कर दिया. जबरदस्त,
बहुत अच्छा बात। और तो कुशल एक बात और बताओ, जब आप एग्जामिनेशन की लीव पर थे, पढ़ाई कर रहे थे, फुल प्रेशर होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए कुछ आप कोई एंटरटेनमेंट या कोई मोटिवेशनल या कुछ ऐसा कुछ हॉबीज टाइप में कुछ बीच में करते थे कुछ? हाँ, तो जैसे मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था कि 12 घंटे जब मैं पढ़ाई करता था तो बीच में मैं हाफ एन आवर के लिए शाम को 5 बजे डेली जॉगिंग ट्रैक पे जाता था। तो जॉगिंग ट्रैक पे जाता था और डेली 2 किलोमीटर्स का जॉगिंग फिक्स रहता था, 2 या 3 किलोमीटर्स का, कभी वॉकिंग कभी जॉगिंग, जैसे मूड रहा वैसे। फिट है इसीलिए। और वैसी बात नहीं है। और जॉगिंग करते टाइम ही मतलब ऐसे थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता था, लेकिन तभी ऐसा भी था कि प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, तो सीए फाइनल का कोर्स भी थोड़ा लंबा ही, आपको भी पता ही है। तो उसमें मैं जॉगिंग में मैं क्या करता था कि जो रिविजन लेक्चर्स है तो वो मैं देखता था जॉगिंग के टाइम। तो आपके जो रिविजन लेक्चर्स थे जीएसटी के जो नवंबर 19 के लिए डाले थे, वो सब मैंने जॉग करते करते ही देखे। क्या तो, बात कर रहा है, तो जबरदस्त। उसके साथ मेरा रिविजन काफी अच्छा हो गया। तो मैं कैसे करता था कि जीएसटी जब मैंने शुरू किया था तो तभी मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेता था और उसके बाद जॉग करते टाइम वही रिविजन लेक्चर सुन लेता था, तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम फिक्स हो गया था दिमाग में। तो ये स्ट्रेटेजी थी मेरी। और आपके जो अमेंडमेंट लेक्चर्स भी है वो भी एकदम काफी हेल्पफुल रहे थे, तो तभी मैंने 1.5-1.75 की स्पीड पे फिर जॉब करते करते फिर वो अमेंडमेंट लेक्चर्स भी देख लिए थे। और जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट थी वो घर पे बैठ के नोटबुक के साथ सामने देख के पढ़े थे मैंने। तो ये मतलब मैं रिलीज करने के लिए जॉगिंग ही करता था, और कभी मन हुआ तो क्रिकेट खेल लेता था, बेसिकली टाइम ऐसे ही मतलब यूटिलाइज करता था। लेकिन सीए फाइनल बीइंग अ वेरी वास्ट कोर्स, इतना टाइम मिल नहीं पाता था। और एक एडवाइस ये रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए, कि हॉबी को कभी मत भूलना नहीं। मतलब हॉबी के साथ एक हॉबी ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ आप टच में रहो, चाहे वो गिटार बजाना हो, क्रिकेट खेलना हो, म्यूजिक सुनना हो, 15 मिनट डेली हॉबी के साथ इंडल्ज रहना, ताकि वो रिफ्रेश हो जाए और आपका माइंड जो है पूरा मतलब रिफ्रेश होने के साथ साथ वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा आपकी जो पढ़ाई की। इसीलिए एक हॉबी के साथ तो हमेशा टच में रहना ही रहना। जबरदस्त, शानदार माहौल। मतलब आपको पढ़ाई भी करनी है, साथ में एंजॉयमेंट भी करना है, और आपकी हॉबीज को भी नहीं छोड़ना है। और उन हॉबीज को बेस्ट पॉसिबल वे में आप कैसे यूज कर सकते हो आपको मोटिवेट करने के लिए, दैट वे यू हैव टू यूज। जबरदस्त। एक और मैंने तेरे लिए एक बात सुनी है यार, आईपीसीसी में जब तेरा रिजल्ट आया, सीए फाइनल आईपीसीसी में जब तेरा रिजल्ट आया था, उसमें कुछ ना कुछ तो तूने रिवॉल्यूशन करके और कोई ना कोई तो गड़बड़ हुआ उधर, वो क्या था? एक किस्सा हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, सो प्लीज लेट अस नो। मेरे को लग रहा है अभी ये बोलने के बाद शायद लोग मुझे जज करना ही शुरू कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, आईपीसीसी में जब रिजल्ट आया था तब आई हैड सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 10 जब रिजल्ट आया था, बट देन मेरे जो सर थे नासिक के, ही वॉज लाइक कि अकाउंट्स में देखो इतने कम नहीं आ सकते, तो ही फोर्स्ड मी टू पुट माई पेपर्स इनटू रिवॉल्यूएशन। And after 4 months, I got a call from institute ki your rank has been upgraded from 10 to 5 and 16 marks has increased in accounting subject. तो एक क्वेश्चन था मेरा पूरा एनपीओ का, वो उन्होंने शायद चेक नहीं किया था या चेक किया था, मार्क्स नहीं दिए थे 16 मार्क्स का पूरा, तो अकाउंट्स में 16 मार्क्स बढ़ गए थे, तो उस हिसाब से आईपीसीसी से 10 से फिर 5th रैंक आ गई थी मेरी। जबरदस्त, अरे वाह। हम तो मतलब कई बार रिवॉल्यूशन पास नहीं हो पाते, इसने 10 से 5th रैंक ले आया है। जबरदस्त। So, ये भी क्लैरिफाई कर दूं, फाइनल में नहीं डालूंगा मैं, नहीं तो फिफ्थ का भी डाल दे वापस, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ जाए यार। पर रियली रियली इट्स रियली इंस्पायरिंग। और जो तूने मेहनत करी है, जो हम इन बच्चों ने जो क्वेश्चंस पूछे, आपके जो आपने आंसर दिए, उससे साफ दिखता है कि तूने किस लेवल से मेहनत करी है। और जो लेवल से मेहनत करी है वो लेवल का रिजल्ट आया है। और डेफिनेट सी बात है, जो तेरी क्रिएटिविटी है, जो तुम मेहनत करते हो विथ क्रिएटिविटी विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, डेफिनेट सी बात है यू आर गोइंग टू रॉक। एंड डेफिनेटली माई बेस्ट विशेज आर विथ यू। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट विशेज ऑलवेज, और कीप रॉकिंग, कीप इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो आपने आज ये टाइम दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट, थैंक यू फॉर योर इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स, थैंक यू, एंड बेस्ट विशेज फॉर योर फॉर द एंटायर फ्यूचर फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम एंटायर क्लास। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। माहौल, थैंक यू सर, जबरदस्त, जबरदस्त। यस यस। अरे अरे रुको रुको रुको, एक लास्ट बात और बची है। कोई आपके इंपॉर्टेंट नोट्स या कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप स्टूडेंट्स के लिए शेयर करना चाहते हो, या कुछ आपके जो आपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए जो आपने अभी बताया, क्या स्टूडेंट्स के लिए वो अवेलेबल हो सकते हैं, या कुछ आप टिप्स वगैरह? डेफिनेटली। तो इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट नोट्स, तो इंपॉर्टेंट टिप्स में मैं यही देना चाहूंगा कि एक मैंने कोट पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, ये मैंने इनकलकेट कर दिया था मेरे माइंड में, ये तुम लोग भी कर देना। इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट,
देन वॉट यू वॉन्ट बिकम्स द सैक्रीफाइस. तो ये जो कोट है ये मैंने इनकल्केट कर दिया था माइंड में. तो तुमको चीजें सैक्रीफाइस करनी पड़ेगी वरना मे बी सीए की डिग्री सैक्रीफाइस हो जाएगी. तो ये एक मोटिवेशन, एक इंपॉर्टेंट टिप ये देना चाहूंगा. और इंपॉर्टेंट नोट्स जो है, तो मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर, सेक्शन नेम, केस लॉज, वो हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने बना के रखे थे. तो वो मैंने स्कैन किए है मेरे मतलब फोल्डर में, सीए फाइनल सॉफ्ट कॉपी करके फोल्डर है. तो इफ यू वॉन्ट आई कैन शेयर दोज नोट्स ऑल्सो. अरे जबरदस्त माहौल. वो फोल्डर है मेरे पास, तो वो फोल्डर मैं मेल पे फॉरवर्ड कर दूंगा. तो एक काम करना आप, यू जस्ट फॉरवर्ड इट टू मी. श्योर. मैं क्या करता हूँ, जो जितने भी इसके इम्पोर्टेंट नोट्स वाले फोल्डर है, अपना जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है आईडी बाय यशवंत मंगल, उसमें मैं शेयर करता हूँ. ठीक है, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप से आप वो सारे लेक्चर से या इसके जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है उस ग्रुप से आप ले सकते हो. तो टेलीग्राम ग्रुप है आईडी बाय यशवंत मंगल, इसका लिंक मैं इसका जो अपना इंटरव्यू है ये यूट्यूब पे डालूंगा, उसमें भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का. आप वहां से इसके नोट्स या जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी वो आप वहां से ले सकते हो आप. ओके. और ये नोट्स में ऐसा भी हर एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब जैसे रिस्क मैनेजमेंट मैंने ऑप्शन लिया था, उसमें मैंने इंडेक्स भी बनाया था, 700 रोज का था इंडेक्स, कौन से पेज नंबर पे क्या है, तो वो सब इंडेक्स का सॉफ्ट कॉपी भी है. और हर एक सब्जेक्ट की नोटबुक जहाँ से मैंने क्लासेस किए या फिर जो नोटबुक है मेरी, वो भी मैंने स्कैन करवाई थी, क्योंकि मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को भी चाहिए रहती थी कि जेरोक्स के लिए, तो वो मैंने स्कैन कर दी थी. तो जिसको भी चाहिए थी वो मैं मेल कर देता था. तो अगर नोटबुक्स भी चाहिए या फिर कोई भी नोट्स चाहिए तो वो सब एक्सेसिबल है हर एक सब्जेक्ट. ओके. तो वो सारी चीजें मैं इनसे लेकर उस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ. यू कैन एक्सेस ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम दैट ग्रुप. ओके. अच्छा एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं मेरे से कि सर 86 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स में जो इसके आए हैं, क्या इसकी कॉपीज हम देख सकते हैं? तो कैन यू हेल्प कि आप अपनी कॉपीज मंगा लें? डेफिनेटली. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पूछा है, तो डेफिनेटली मैंने आरटीआई पे एप्लीकेशन ऑलरेडी डाल दिया है. तो आई थिंक 30 डेज में कॉपीज आ जानी चाहिए. तो जैसे ही कॉपीज आ जाएगी मेरे पास, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ. तो अब आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते. अरे जबरदस्त माहौल. माय प्लेजर. शानदार. तो मैं इसकी कॉपीज जब भी मेरे पास आएगी, मैं आप अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है आईडी बाय यशवंत मंगल उसमें शेयर करता हूँ. एंड यू कैन हैव एक्सेस टू हिज कॉपीज ऑल्सो. हमको ये पता पड़ेगा कि इसने किस तरह से अटेम्प्ट किया था, सो दैट वी कैन लर्न कि कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं. और जबरदस्त यार माहौल. थैंक यू सो मच फॉर दी. थैंक यू. यू नो मतलब दैट्स अ ह्यूज हेल्प फॉर द स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए या जो प्रिपेयर करने वाले एग्जाम्स के लिए. और जितने भी नोट्स इनके हैं आप उसको यूज करो, देखो कहाँ उनको फायदे से आपके लिए यूज कर सकते हो. जो भी बेनिफिट मिलता है डेफिनेट सी बात है वी ऑल शुड शेयर, क्योंकि शेयरिंग गिव्स ऑलवेज बेनिफिट. थैंक यू सो मच. थैंक यू कुशल, दिल से थैंक यू. थैंक यू सो मच. यस थैंक यू.